ट्रांसफार्मर के बारे में हमने जान लिया। अब जो है हमारे टाइप्स है ट्रांसफार्मर के, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर जो हमारा मेनली दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन। और स्टेप अप और स्टेप डाउन का क्या मतलब होता है मेनली आप जाने। मान लीजिए ये सीढ़ी है हमारी, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है और एक स्टेप ये है और एक स्टेप ये है। मान लीजिए इस पोजीशन पर जो है हमारा एक आदमी है, इस पोजीशन पे खड़ा है, उसके लिए स्टेप अप पोजीशन कहाँ पर होगी? जब वो एक सीढ़ी को छोड़कर अगली सीढ़ी पे जाएगा, ये होगी उसकी स्टेप अप पोजीशन। और जब यही आदमी उस सीढ़ी से एक स्टेप नीचे आ जाए, यहां पर आ जाए, तो ये होगी उसकी क्या? स्टेप डाउन पोजीशन। सिंपली अगर हम इस डायग्रामेटिकली रिलेशन से समझें तो हमें क्या पता चल रहा है कि अगर एक आदमी एक स्टेप ऊपर जा रहा है या जितने भी स्टेप ऊपर जा रहा है, वो होगी उसकी स्टेप अप पोजीशन। और अगर कोई आदमी एक स्टेप नीचे या एक से ज्यादा स्टेप नीचे जा रहा है, वो होगी उसकी स्टेप डाउन पोजीशन। मतलब कि एक आदमी आगे बढ़ रहा है या कोई भी चीज जब आगे बढ़ रही है, वो होगी उसके लिए स्टेप अप पोजीशन, और कोई भी चीज अगर नीचे आ रही है, वो होगी उसके लिए स्टेप डाउन पोजीशन। उसी तरह जो हमारा ट्रांसफार्मर है, वो भी दो टाइप जो है इसके, इसी जो है पोजीशन पे हमने क्या करने हैं, डिफाइन करने हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक हमारा एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें हम जो है वोल्टेज को अप करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। वोल्टेज की वैल्यू अगर 2 है उसे हम 10 कर सकते हैं, अगर 3 है उसे 30 कर सकते हैं, उसे 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, जितने हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उस वोल्टेज की वैल्यू को स्टेप अप कर सकते हैं। तो वो जो डिवाइस वोल्टेज की वैल्यू, वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को स्टेप अप करता है, उसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और उसका इनवर्स या उसका जो है ओपोजिट रिलेशन, उसका रेसिप्रोकल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा कि अगर हम 100 से 3 वैल्यू कर रहे हैं वोल्टेज की, 200 से 100 कर रहे हैं, या जितनी भी वैल्यू चाहिए कम हमें, हम ज़्यादा से कम कर रहे हैं अगर उस वैल्यू को, उस ट्रांसफार्मर को कहते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मेनली कहें कि अगर हम वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हैं तो हम जिस डिवाइस से उसे बढ़ाएंगे वो होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और अगर हम वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को कम कर रहे हैं, जिस डिवाइस से कम कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मेनली हमारा जो यूज होता है, जितने भी हमने जो है मीटर्स लगाए होते हैं या जितने भी हमने जो है खंभे लगाए होते हैं बिजली के, उसमें जो है हमें क्या करते हैं, वैल्यू को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं उसे, अगर हमने लार्ज डिस्टेंस तक उसे ट्रैवल करना हो। और अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें, वो हम मेनली रेक्टिफिकेशन में यूज़ करते हैं, जैसे चार्जर में उसे हम हाई वोल्टेज जो क्या करते हैं, लो वोल्टेज, या बहुत ही ऐसे बहुत ज़्यादा डिवाइसेस ऐसे हैं जिसमें हमें कम वोल्टेज चाहिए होती है और कईयों में हमें बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होती है। सो वोल्टेज कम और ज़्यादा करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सिंपली जो है दो चीज़ों का जो है फ़र्क होता है, जो डिफरेंस होता है, जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसमें हमने जो है नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉयल्स वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ प्राइमरी कॉयल से। और इसका जो है इनवर्स, स्टेप डाउन में हमारे जो है नंबर ऑफ प्राइमरी कॉयल वो ज़्यादा होते हैं किसे, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉयल से। कि हमने वर्किंग में भी पढ़ लिया कि ट्रांसफार्मर रेशो हमारी डिसाइड करती है सिग्नल ज़्यादा होंगे या कम होंगे, और हमने कंस्ट्रक्शन में भी पढ़ लिया कि अगर हमारी जो है सिग्नल के हिसाब से हम क्या करते हैं, टर्न्स को चेंज करते हैं हमारे जो है ट्रांसफार्मर की। तो मेनली हमारे पास दो टाइप भी पढ़ लिया हमने ट्रांसफार्मर के, एक स्टेप अप और स्टेप डाउन। अगर वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और अगर हम घटाना चाहते हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फर्क दोनों में सिर्फ डायग्राम का है, और डायग्राम ही उसके जो है डायग्रामेटिकली और एक्सपेरिमेंटली हमारी जो है प्रिक्वेशन ही हमें बताती है कि हमारा जो है सिग्नल है वो ज़्यादा होगा या कम होगा। तो अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, उसमें जो है एक चेंज आएगा कि हमारी जो है नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉयल्स हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी नंबर ऑफ प्राइमरी कॉयल से।
क्यों होगी? अगर हम देखें, हमें पता है हमारा EMF का क्या फार्मूला होता है, N d∅ over dt। तो अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगी तो EMF की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर हमें आउटपुट में EMF की वैल्यू या कोई भी अल्टरनेटिंग सोर्स की वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो हम क्या कर देंगे, सिंपली हमारी जो है नंबर है सेकेंडरी, क्योंकि हमें सेकेंडरी से आउटपुट लेनी है, तो जो भी हम चेंज करेंगे हमारा बढ़ाने के लिए सेकेंडरी में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी की सिंपली टर्न्स को क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे प्राइमरी से, जिसके कारण नंबर ऑफ टर्न बढ़ने से हमारी EMF भी बढ़ जाएगी। और अगर इसका ही इन्वर्स अगर हम कम करना चाहते हैं तो हम सेकेंडरी की जो है टर्न्स है वो प्राइमरी से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मतलब कि नंबर ऑफ प्राइमरी जो है ज़्यादा होगा नंबर ऑफ सेकेंडरी से स्टेप डाउन के केस में, और जिसके कारण होगी हमारी EMF वो भी क्या हो जाएगी, कम होगी। तो इसके कारण या इस डिसीजन के ऊपर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उस हमारी जो है ज़रूरत के हिसाब से, कि हमें जो है अल्टरनेटिंग EMF की वैल्यू वो ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो दो एजम्पशन पे बेस्ड है। सबसे पहला कि हमारे जो है सेकेंडरी और प्राइमरी करंट है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा करंट ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ज़्यादा तेज़ी से होगी, हीटिंग बढ़ेगी, और उसके कारण क्या होगा हमारी एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम हीटिंग बढ़ा दें प्राइमरी और सेकेंडरी की, उसके कारण भी क्या होगा हमारे जो है ड्रैगिंग फोर्स जो है हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए जहाँ जो भी चार्ज कैरियर मूव कर रहा है वो बढ़ जाएगी, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और जिसके कारण क्या होगा हमारी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और फिर तो कम हो जाएगा। तो हमारा जो है ट्रांसफार्मर है वो दो एजम्पशन पे बेस्ड है। सबसे पहली कि हमारा जो है सेकेंडरी और प्राइमरी करंट वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर करंट ज़्यादा है दैट मीन्स जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो क्या है, ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होगा कोलिजन ज़्यादा हो गए चार्ज कैरियर के आपस में और हीटिंग बढ़ जाएगी और एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें उसके कारण भी क्या होगा हमारी हीटिंग बढ़ेगी और एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो है करंट है और हमारी जो है रेजिस्टेंस है उसे हम क्या करें, करंट कम करें, किसके केस में, ट्रांसफार्मर के केस में। और दूसरी एजम्पशन हमारी क्या है कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लीक नहीं होना चाहिए। जैसा हमने हमारी वर्किंग में भी पढ़ लिया कि हमारा क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक एक कॉइल का दूसरी के साथ चेंज होता है और इसमें EMF बनती है, सिंपली कहे म्यूचुअल इंडक्शन होती है। तो सभी की सभी जो है हमारी वर्किंग है वो किसके ऊपर बेस्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर बेस्ड है। तो अगर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स ही लीक हो गया, हमारी लीकेज होने लगी मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो हमारा ट्रांसफार्मर की वर्किंग भी उतनी अच्छी नहीं होगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए हम क्या कर देते हैं कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमारा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स लीक है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इन्हीं दो एजम्पशन पे हमारा ट्रांसफार्मर क्या करता है, बढ़िया तरीके से वर्क करता है। वर्किंग तो बढ़ ली हमारे ट्रांसफार्मर की, लेकिन हमारा ट्रांसफार्मर तब तक अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाएगा जब तक उसमें एनर्जी लूजेस ज़्यादा होंगे। तो हम क्या करते हैं हमारे ट्रांसफार्मर को, हमारी कोशिश ऐसी होती है कि हम उसको कंस्ट्रक्ट इस हिसाब से करें जिसके कारण क्या हो, उसका एनर्जी लूज कम हो, क्योंकि अगर उसका एनर्जी लूज ज़्यादा होगा तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, हमारा ट्रांसफार्मर अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाएगा। तो हमारे कुछ एनर्जी लूजेज यहाँ पर लिखे हुए हैं मेनली, जो क्या होते हैं ट्रांसफार्मर में देखे गए हैं ज़्यादातर। हमारा जो है सबसे पहले कॉपर लूज या हमारा मेटल लूज, क्योंकि जितने भी हम वायर यूज़ करते हैं या हमारी जितनी भी कॉयल्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी, वो किससे बनी होती है, वायर से बनी होती है, और उसमें मटेरियल कौन से होते हैं, कॉपर और मेटल। जब हम इसमें से करंट प्रोड्यूस करते हैं हीटिंग के कारण क्या होती है, हमारी एनर्जी लूज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा जब इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी चार्ज कैरियर मूव करता है रास्ते में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ वो कोलाइड कर जाते हैं, जिसके कारण उनकी एनर्जी लूज होती है, और वो एनर्जी लूज हमें किस फॉर्म में मिलती है, हमारे हीटिंग के रूप में। तो इसको मिनिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसकी क्या हो, हमारी रेजिस्टेंस कम हो। दूसरा हमारा है आयरन लूज इन फॉर्म ऑफ हीट। हम क्या करते हैं, लैमिनेटेड कोर का यूज़ करते हैं, वो भी किससे बनी होती है, आयरन या कुछ ऐसे सब्सटेंस से बनकर मिली होती है। तो हमने क्या देखा कि हमने क्या किया होता है, लैमिनेट किया होता है उसको, हमारी शीट्स को एक दूसरे से। अगर हम ऐसा ना करें तो उसमें क्या होता है, एडी करंट प्रोड्यूस होता है, उसके कारण क्या होती है, हीटिंग प्रोड्यूस होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, आयरन लूज को कम करने के लिए शीट्स को क्या कर देते हैं, एक दूसरे से लैमिनेट कर देते हैं, जिसके कारण हमारा जो है एडी करंट है वो भी कम बनता है। तीसरा हमारा जो लूज है वो कौन सा, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स,
पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शन हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर बेस्ड है, तो अगर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स ही लीक हो रहा है तो हमें उतनी एफिशिएंसी नहीं मिलेगी हमारे ट्रांसफार्मर को। तो हम क्या कर देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर देते हैं, उसके लीक को कम करते हैं। वो कैसे करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ करके, जिसके कारण क्या होती है, वो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लीक हो रहा होता है वो क्या कर देती है, उसे अट्रैक्ट करके अपने बीच में से पास करवाती है, जिसके कारण क्या होता है, लिंक जो है दोनों कॉइल्स का मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ वो बढ़िया होता है, लीक कम हो जाता है और हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर अच्छी तरह से वर्क करता है। हमारा पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल है हमारे ट्रांसफार्मर का, वो किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे मैग्नेटाइजेशन के ऊपर और डीमैग्नेटाइजेशन के ऊपर। पहले क्या होती है, हमारी प्राइमरी कॉइल में करंट बनता है और उसका जो है लिंक है मैग्नेटिक फील्ड का किसके साथ होता है, सेकेंडरी कॉइल के साथ, और सेकेंडरी कॉइल में क्या बनती है, EMF बनती है। जब हम क्या करते हैं, P1 जो हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसे क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं B को, और तब हमारी जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एच है, जो क्या होती है, जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनी है इसके कारण, वो क्या होती है, उसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होती है जब हम बी इक्वल्स टू जीरो करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें जो है रिटेन वैल्यू रह जाती है मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि उसके जो है सभी जो है डाइपोल्स हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जीरो करने के ऊपर क्या होते हैं, सभी जो है इन्वर्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहते हैं, जिसके कारण हमें क्या मिलती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड भी मिलती है उस मटीरियल में जब हम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जीरो कर देते हैं। जो हमारी वैल्यू रहती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जीरो करने के ऊपर उस मटीरियल में जिसके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया था, उसे हम कहते हैं रिटेंटिविटी। इसको जीरो करने के लिए, क्योंकि अगर हम एक बार हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाया, उसमें EMF की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन दूसरे जब साइकिल आएगा हमारा, एक साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरे साइकिल के लिए हमारी फिर से वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है रिटेंटिविटी की वैल्यू जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, तो उस वैल्यू को जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाना पड़ता है प्राइमरी कॉइल में, जिसे हम कोरेसिविटी कहते हैं। कोरेसिविटी अगर तो थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करने पर हमारी जो है रिटेंटिविटी की वैल्यू जल्दी से जीरो हो रही है, तो उसमें हमें जो है एनर्जी स्पेंड है वो क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। लेकिन वो ज़्यादा टाइम लेकर या ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लेकर या कोरेसिविटी की वैल्यू ज़्यादा बढ़ाने पर हमारी रिटेंटिविटी की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है, तो उसमें जो हमारा स्पेंड है एनर्जी का वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं जिसकी रिटेंटिविटी की वैल्यू ज़्यादा हो और कोरेसिविटी की वैल्यू क्या हो, कम हो। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कोरेसिविटी की वैल्यू अप्लाई करके, थोड़ी सी भी ऑपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके अगर हमारी रिटेंटिविटी की वैल्यू जल्दी से जीरो हो रही है, तो उस पर हमें जो है स्पेंड है एनर्जी का वो क्या करना पड़ेगा, जीरो, बहुत ही ज़्यादा, सॉरी जीरो नहीं, बहुत ही ज़्यादा कम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं जिसकी कोरेसिविटी की वैल्यू कम हो, ऐसे मटेरियल जैसे हमारे सॉफ्ट आयरन कोर। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी ये कॉइल्स हैं वो उन मटेरियल से बनाते हैं जिनकी हमारी वैल्यू क्या हो, रिटेंटिविटी की वैल्यू ज़्यादा हो और कोरेसिविटी की वैल्यू क्या हो, कम हो। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हिस्टेरेसिस लूज को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं हम क्या करके, कुछ ऐसे मटेरियल यूज़ करके जिसकी कोरेसिविटी की वैल्यू क्या हो, कम हो। उसके बाद हमारा नॉइजनिंग इफेक्ट, हम जानते हैं कि जैसे हमारा करंट फ्लो करता है, बहुत ज़्यादा कोलिजन होते हैं चार्ज कैरियर के आपस में, जिसके कारण उनकी एनर्जी कुछ ना कुछ किस में स्पेंड हो जाती है, नॉइज में स्पेंड हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं या कुछ ऐसी वायर यूज़ करते हैं जिसकी हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो, उसके कारण कोलिजन कम होगा और नॉइज भी हमारी क्या बनेगी, कम बनेगी। जितने भी हमारे ट्रांसफार्मर है किसी की भी जो है 100% एफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करके जो है उसकी आउटपुट पावर है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। चाहे वो हीटिंग इफेक्ट में हम कह लें, चाहे वो नॉइज इफेक्ट में कह लें, या हम हिस्टेरेसिस लूज में कह लें, जितनी हम इनपुट पावर देते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर में, हमें उससे जो है आउटपुट पावर जितनी हमें मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती, क्योंकि एफिशिएंसी जो है हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है उसमें एनर्जी लूज होने के कारण। अगर हम एफिशिएंसी का फार्मूला पढ़े तो क्या है, हमारा आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, कि जितनी हमने इनपुट दी है अगर उतनी ही हमें आउटपुट मिल रही है तो हम कहेंगे उसकी जो है एफिशिएंसी क्या है, अच्छी है। और अगर हम थोड़ी सी इनपुट देते हैं और आउटपुट हमें क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है, तो उसमें क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा होगी। मान लीजिए हमने जो है इनपुट पावर दी उसमें कितनी, 10, और हमें जो है आउटपुट है वो भी कितनी मिल रही है, 10,
तो हमारी जो है एफिशिएंसी नीटा की वैल्यू कितनी आई, 1। इसका मतलब है हमारी एफिशिएंसी क्या है, 100% है, क्योंकि जितनी हमने इनपुट पावर दी है 100% हमें कितनी मिली है, आउटपुट में मिली है। लेकिन क्या होता है, जो हमारी आउटपुट पावर है उसमें क्या हो जाता है, हमारे इनपुट पावर और माइनस हमारा क्या हो जाता है, एनर्जी लूज, कि हमने जितनी इनपुट पावर दी है वायर की रेजिस्टेंस होने के कारण, हिस्टेरिसिस लूज होने के कारण, कुछ ना कुछ हमारा क्या हो जाता है उसमें एनर्जी का लूज हो जाता है, जिसके कारण जो हमारी नेट आउटपुट पावर है वो क्या मिलती है, हमें कम मिलती है इनपुट में। जैसे कि मान लीजिए इनपुट हमने दी 10 और उसमें 5 का हो रहा है एनर्जी लूज हो रहा है, तो हमें आउटपुट कितनी मिलेगी, 5। तो अगर हमें आउटपुट 5 मिल रही है, 50% हमें क्या मिल रही है उसकी एफिशिएंसी, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अगर हम किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें जो एनर्जी लूज हो रहे हैं उसको क्या करेंगे, कम करेंगे जितना हो सके। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हमारे ट्रांसफार्मर का, सबसे पहला यूज़ है उसे क्या करते हैं हम टीवी रेगुलेटर में यूज़ करते हैं। सबसे पहले रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, जिसकी वैल्यू क्या कर रही हो, चेंज कर रही हो। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम इसको यहाँ से ऐसे काट दें, यहाँ से ऐसे काट दें, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर मिलेगी और कांस्टेंट वैल्यू ही यहाँ पर मिलेगी। तो टीवी रेगुलेटर, जो हमारा टीवी है उसे भी क्या चाहिए होती है, एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होती है या कांस्टेंट वोल्टेज की वैल्यू चाहिए होती है वर्क करने के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। अगर उसे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए हो तो हम स्टेप अप का यूज़ कर लेते हैं, और अगर हमें लो वोल्टेज चाहिए हो टीवी को तो हम क्या कर लेते हैं, वहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ कर लेते हैं। इंडक्शन फर्नेस जो है हमारी, जहाँ पर हम क्या करते हैं, दो मेटल्स के एलोए को पिघलाकर उन्हें क्या करते हैं, आपस में फिक्स करते हैं, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। और हमारा जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारा यूज़ होता है वेल्डिंग में। क्यों, इसे समझना होगा। स्टेप डाउन का मतलब है कि प्राइमरी जो है टर्न्स है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, सेकेंडरी टर्न से। तो इसमें क्या होगा, हमारी ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर लो प्रोड्यूस होगी। ईएमएफ की वैल्यू अगर लो प्रोड्यूस हो रही है, दैट मीन उसमें क्या बन रहा है, करंट हमारा क्या बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि हमारी जो है ईएमएफ है वो क्या बनाती है, करंट बनाती है। अगर इसमें लो वैल्यू है ईएमएफ की, इसका क्या मतलब है, जो आधी वैल्यू है हमारी ईएमएफ की वो क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है किसमें, करंट में। तो अगर हमारी ईएमएफ की वैल्यू लो है तो इसका मतलब है वहां पर जो हमारा करंट है वो क्या चल रहा है, ज्यादा चल रहा है। तो वेल्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हाई हीटिंग चाहिए होती है। तो उसके लिए हमें क्या जाता होता है, हीटिंग के लिए हमें ज्यादा करंट चाहिए होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमारी जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें ईएमएफ की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और इसका क्या मतलब है कि अगर वोल्टेज की वैल्यू कम है तो हमारी जो रहती हुई वोल्टेज है वो किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, हमारे करंट में कन्वर्ट हो चुकी है। मान लीजिए हमारी वोल्टेज थी यहां पर 20 और यहां पर हमारी वोल्टेज आ रही है अब 10। तो इसका क्या मतलब है कि 10 वैल्यू जो हमारी क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है किसमें, करंट में। अगर यहाँ पर 20 वैल्यू है और ईएमएफ की वैल्यू मिल रही है 5, तो इसका क्या मतलब है, 15 वैल्यू क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है हमारी किसमें, करंट में। तो अगर हमें ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत है तो वहाँ पर हमें करंट की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का वहाँ पर यूज़ करते हैं, ताकि हमें जो है करंट की वैल्यू क्या मिल सके, ज़्यादा मिल सके। उसके बाद हम इसका यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ ए एसी सिग्नल ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें वोल्टेज को या ईएमएफ को, या फिर हम क्या इंक्रीज कर दें हमारे करंट को। दोनों ही केस हम देखेंगे। अगर तो हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब है करंट क्या होता है हमारा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो उसके कारण क्या होगा, अगर ये चार्ज है तो जो तेजी से मूव करेंगे और उनका एक दूसरे के साथ क्या होगा, जिगजैग मोशन के कारण क्या होगा, एक दूसरे के साथ कोलिजन होगा। रैंडमली मूव होने के कारण, ज़्यादा कोलिजन होने के कारण उनकी जो है एनर्जी है वो किसमें यो है, लूज हो जाएगी, हीट में लूज हो जाएगी, जिसके कारण जो हमारी क्या होगी,
जो है हमारी रेजिस्टेंस के कारण हीट लूज ज्यादा होगा, और जितना हम सिग्नल भेजना चाहते हैं लार्ज डिस्टेंस तक, वो वहां तक नहीं पहुंचेगा, वो रास्ते में ही कहीं क्या हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 10 किलोमीटर तक हम जो है सिग्नल ट्रांसफर करना चाहते हैं अपना, लेकिन अगर हम करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं, करंट की वैल्यू बढ़ाने के कारण यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, और उसके कारण क्या होगा, हीटिंग होगा, और उसकी आधी एनर्जी जो है वो किस में डिसिपेट हो जाएगी, हीट में डिसिपेट हो जाएगी। तो यहां तक पहुंचने के बजाय वो उसकी एनर्जी एसी सिग्नल की यहां तक ही खत्म हो जाएगी, फिर हमें यहां पर फिर से एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा उसकी एनर्जी को आगे भेजने के लिए। अगर तो हम ऐसा करें कि रेजिस्टेंस को कम करने के लिए अगर हम जो है हमारे वायर का साइज है उसे उसके एरिया को बढ़ा दें, तो एरिया बढ़ने के कारण हमें पता है रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऐसा हम कर तो सकते हैं, लेकिन एरिया को बढ़ाने के कारण जो वायर हमारी मोटी हो जाएगी, जिसमें हमारा जो है काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएंगे, काफ़ी खर्चा हो जाएगा, जिसके ऊपर हमारा अगर हम रेजिस्टेंस को कम करने के लिए एरिया को बढ़ाएं, तो हम क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, करंट को इंक्रीज करने के बजाय हम किसे इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। वोल्टेज को इंक्रीज करने के कारण क्या होता है कि जैसे हमें मान लीजिए 10 किलोमीटर के ऊपर हम क्या करना है, हमें सिग्नल ट्रांसफर करना है अपना एसी सिग्नल का, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर उसकी वैल्यू को स्टेप अप कर देते हैं ट्रांसफार्मर की, और फिर से यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जाकर उसकी वैल्यू कम होने लगी, फिर यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर फिर उसे क्या कर देते हैं, आगे ऐसे ट्रांसफार्मर बनाकर क्या कर देते हैं, उसे जो है लार्ज डिस्टेंस तक क्या कर सकते, करा सकते हैं, हम ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह हम करंट को बढ़ाते तो क्या होता, हमारा करंट क्या है, हीटिंग किसके बराबर होती है, हमारी डायरेक्टली जो हमारी हीटिंग का फार्मूला है वो क्या बताता है हमें कि हीटिंग जो है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। तो अगर करंट की वैल्यू को हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसके कारण क्या होगी, हमारी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो है ईएमएफ की वैल्यू है स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर उसे बढ़ा देते हैं, और लार्ज डिस्टेंस तक उसे क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। यहां कहीं जाकर उसकी वैल्यू कम होने लगती है, फिर से वहां पर एक ट्रांसफार्मर लगाकर उसकी वैल्यू को बढ़ाकर क्या कर देते हैं, और लार्ज डिस्टेंस तक क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। और जहां पर उसकी वैल्यू चाहिए होती है, चाहे वो कम चाहिए, तो वहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर उसका यूज कर लेते हैं, और अगर उससे भी ज्यादा हाई वैल्यू चाहिए तो वहां पर फिर से क्या कर लेते हैं, हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। मोबाइल के जो रेक्टिफायर है उसमें भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, क्योंकि मोबाइल की चार्जिंग के लिए हमें लो वोल्टेज की जरूरत होती है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसकी वोल्टेज को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर।